बात होगी कोटा की। कोटा की चुनावी सरगर्मी क्या कह रही है, चुनावी मौसम है, चर्चा किसकी, सवाल बहुत सारे, मगर सिटी पॉलिटिक्स में क्या हलचल है आज, सिटी की पॉलिटिक्स में कौन सुर्खियों में, सीधा रुख करेंगे भंवर एस चारण, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, चुनावी बयार में तो यह होता ही है कि इधर के नेता उधर और उधर के नेता इधर, लेकिन कोटा के सियासी समीकरण को समझते हुए जरा बताइए कि ये जो दल बदल का दौर शुरू हुआ है, इसके सियासी नफे नुकसान क्या है। जी देखिए, बीजेपी शहर के लिए ये जो हालात बन रहे हैं ये चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो विधानसभा प्रभारी हितेंद्र सिंह हाड़ा, उन्होंने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का आशीर्वाद लेकर पार्टी छोड़ी। एबीपी के समय से वो लगातार बीजेपी से जुड़े हुए थे और बड़ा झटका बीजेपी। रुक करेंगे अपनी कोटा की संभाग पर, जहां पर पॉलिटिक्स में, सिटी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, लगातार हमारे साथ भंवर एस चारण बने हुए। भंवर, ये तो ठीक है कि अभी टिकट का कोई वितरण नहीं हुआ है और ऐसा कुछ अभी होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा, इंतजार हो रहा है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के दावेदार हैं, इंतजार में है, लेकिन ये जो बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, क्या ये टिकट वितरण से पहले का शक्ति प्रदर्शन है, जनता के बीच जाने से पहले पार्टी के सामने खुद को साबित करने का हथकंडा? भंवर, बिल्कुल अनूप, क्योंकि देखिए कोटा में एक ऐसी सीट है, कोटा उत्तर विधानसभा सीट, जो इस टिकट वितरण की पूरी बागडोर से अछूती है। यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता शांति धारीवाल का सामना बीजेपी के विधायक प्रहलाद गुंजल से होना लगभग तय है, और इन दोनों नेताओं ने बजाज टिकट के लिए जयपुर दिल्ली की रेस में शामिल होने के यहां कोटा में बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन करने शुरू कर दिए हैं और तूफानी चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। यहां पर टिकट की किसी भी सूची का कम से कम इस सीट पर कोई इंतजार नहीं है। इसी तरह से जो बीजेपी के 3 बार के विधायक है भवानी सिंह राजावत, उन्होंने भी बोरखेड़ा में सम्मेलन किया है, तो कोटा में कम से कम हम कह सकते हैं टिकट वितरण के बाद जो माहौल बनना है वो टिकट वितरण से पहले ही बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन भंवर, चूंकि आज धनतेरस है और फिर दीपावली त्योहार के बीच सियासी कॉकटेल कैसा आप देख पा रहे हैं, चूंकि खबर तो यह है कि अब टिकट को लेकर जो कुछ होगा वो अब दीपावली के बाद ही होगा। जी हाँ, और इस खबर ने, हम कह सकते हैं कि एक दो विधायक कोटा के जिनकी दिवाली बिगड़ सकती थी उनकी दिवाली को एक तरह से बिगड़ने से, और अब सभी जो विधायक हैं वो अच्छे से रामाशामी कर रहे हैं और इस रामाशामी में साथ में सियासी जो समीकरण है उनको भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोटा के 1 से 2 विधायक ऐसे हैं की तलवार लटकी हुई है। हाँ। लेकिन फिलहाल वो आराम से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर पाएंगे, आराम से दीपावली मना पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि टिकट का जो वितरण का पूरा काम है वो अब दीपावली तक तो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आता। बहुत बहुत तो शुक्रिया भंवर एस चारण इस तमाम जानकारी के लिए। सिटी पॉलिटिक्स में यहाँ रुक रहे हैं।